डर लगता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग को सुनकर। आ जा फिर, हमें जो लेना है पहले हम देख लेते हैं भाई कहाँ से लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम मोदी जी। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो या फिर जुन्नू की टेक पर रेगुलर वीडियोस देखते हो तो मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि मैं अभी दिल्ली में शिफ्ट हो चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपना न्यू स्टूडियो बना रहा हूँ। मेरे पास एसएस का लैपटॉप था, मैंने काफी टाइम पहले लिया था, उससे मैं एडिटिंग करता था, वो बहुत ज्यादा हैंग होना शुरू हो गया था, तो यहाँ पर बहुत कुछ इम्प्रूव होने वाला है। तो अभी हम जाने वाले हैं नेहरू प्लेस और वहां से मैं क्या क्या खरीदने वाला हूँ वो तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब फटाफट चलते हैं विद माई बसंती, मैं आपको सब कुछ खरीदने के बाद ही मिलूंगा। तो ये रही अपनी बसंती, यहाँ पे पार्क की हुई थी और यहाँ पे मोटर चल रहा है शायद, इसलिए ज्यादा आवाज आ रही है, नॉइस आ रही है बहुत ज्यादा। तो बाहर जाके वो लोग करते हैं, मोबाइल मैंने अच्छे से फिट कर लिया यहाँ पे। तो अभी मेन रोड पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ से मैंने लोकेशन डाल ली जहाँ पे भी मेरे को जाना है। ये बहुत फायदा हो गया यार, मोबाइल का स्टैंड यहाँ पे मैंने लगवा लिया और इजीली लग भी जाता है, कोई निकाल के भी नहीं भाग सकता। और भाई आज हम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, क्या क्या खरीदेंगे भाई आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे को क्यों खरीदना पड़ रहा है। मेरे पास एसएस का एक लैपटॉप था, जब मैं उससे एडिटिंग करता था तो यार वो बहुत ज्यादा हैंग होने लग जाता था, और वीडियो को एडिट करने के बाद कलर करेक्शन अच्छे से करने के बाद जब मैं एक्सपोर्ट करता था तो वो कम से कम एक घंटा लेता था एक वीडियो में, और कभी कभी 30 मिनट, कभी 25 मिनट। बाय द वे आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या लेने जा रहा हूँ और बाकी तो आपको आज पता चल ही जाएगा। तो अभी मैं रेड लाइट पर रुका हूँ और यहाँ से मेरे को 7.8 किलोमीटर जाना है और ये यहाँ पे बता रहा है 16 मिनट, लेकिन मेरे को लगता है कि भाई मैं 16 मिनट में पहुंच जाऊंगा बिकॉज ट्रैफिक कहीं पे मिल जाता है। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं नेहरू पैलेस, देखते हैं पार्किंग वार्किंग का सिस्टम रहता है क्या कोई, वरना फिर ऐसे ही लगा देंगे कहीं पे भी अपनी बसंती को। अकेली को छोड़ने का मन तो नहीं करता यार, कोई उठा के न ले जाए बेचारी को, बसंती को अकेली को छोड़ दिया मैंने। तो ये है नेहरू मार्केट का सेकंड फ्लोर और यहाँ पे काफी कुछ मिलता है, हमें जो लेना है पहले हम देख लेते हैं भाई कहाँ से लेंगे। अगर यहाँ से सीधा जाएंगे तो ये मोबाइल मिलते हैं, सीसीटीवी कैमरा वगैरह। तो हम इससे भी आगे चलते हैं और हमें जाना है अपने एक दोस्त के पास, अगर वो मिल गया तो मजा आ जाएगा। तो अभी नेहरू प्लेस को छोड़ने का टाइम आ चुका है, तो चलते हैं वापस अपनी बसंती के साथ। ये देखो ऐसे घुमा के रखते हैं हम लोकेशन को, सीधा कह रही है निकालने के लिए, बताओ ऊपर चढ़ा दूं भाई। भाई भाई पेट्रोल पंप किधर है? गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम मोदी जी, ये देखो हमारी साइड ही देख रहे हैं। अरे अरे पावर वाला, अगर हम इसमें पेट्रोल डलाते हैं तो भाई पिकअप और ज्यादा हाई हो जाता है। पावर वाला है ना, फुल कर दो। ओके बस। तो गाइज यहाँ पे एक पार्क है, अभी देखते हैं, टैक्वांडो सीखने का प्लान बना रहे हैं। ये मोबाइल मैं अक्सर भूल जाता हूँ, और दिल्ली में भाई मैं एक शोरूम में गया और मोबाइल को भूल गया, वो तो सही हुआ कि वहाँ पे सामान नहीं मिला था, यहाँ मैं किसी को नहीं जानता। तो फाइनली मिल चुकी है हमें हमारी कुल्लड़ वाली चाय, अलग से लगता है। ये देखो गाइज, अगर आप कभी भी दिल्ली आते हो तो भाई अपनी बाइक कहीं पे भी पार्क मत कर देना पार्किंग के अलावा, वरना आपका ये हाल हो जाएगा। इसमें जगह नहीं रही तो पीछे ही लटका लिए। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ नेहरू प्लेस, कल मैं गया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था, आज मैं अपने दूसरे फ्रेंड के पास साथ जा रहा हूँ, मेरा बचपन का फ्रेंड है और उसको पता भी है इन चीजों के बारे में, मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ इसलिए मेरे को ज्यादा नॉलेज ही नहीं है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अजमेरी गेट, तो अजमेरी गेट से मेरे को उसको लेना है, तो ये है क्रिस्पर्स। अगर बर्गर अच्छा ना हुआ ना तो वापस कर देंगे। पागल है क्या तू? वो बीटीएस वाले देखे तूने? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा। तो गाइज ये बहुत ही गंदा एरिया है दिल्ली का, ये जो भी एरिया है मुझे नाम तो पता नहीं इसका। अच्छा दिल्ली में कौन सा रोड ऐसा जहाँ पे ट्रैफिक ना मिले? तो भाई ये हमने यूट्यूब मनी इनको दे दी और हमें बदले में इन्होंने ये दिया है अभी तक। और ये एसर का है ना भाई मॉनिटर है ना, ये एक मॉनिटर हमारा आ गया और एक मॉनिटर और आने वाला है। और ये माइक्रोटेक का क्या है भाई, दिखाना एक उठा के। तो हमने दो यूपीएस लिए हैं माइक्रोटेक के, ये 2000 रुपए का दिया है, कमेंट करके बताना सही है क्या, वरना इनको ही पकड़ेंगे हम। हंसो मत भाई, सीरियसली पकड़ लेंगे हम। तो यार ये माउस तो बहुत बेकार लग रहा, अरे ये वाला माउस चाहिए हमें, इसको खोल के देखेंगे उसके बाद देखेंगे लेना है कि नहीं। चलो भाई रख देते हैं इसको भी साइड में। तो साथ में आलिम भाई भी आ चुके हैं, हाय बोलो। बाय बाय। तो भाई पिज्जा काफी सही था, इसकी चॉइस थी, पहली बार खाया इसकी वजह से ये वाला, और इनका हमने यूज ही नहीं किया, वापस ले लो। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है फिर भी। अरे 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 ये तो वैसी वाली है, मिर्च पीस रखी है। तो गाइज अभी आप देखो नेहरू प्लेस बंद हो चुका है बिल्कुल, और भैया ने हमारी इतनी ज्यादा हेल्प की, थैंक यू सो मच। और भाई यहाँ पे एक ही दुकान खुली हुई है, और यहाँ पे देखो भाई क्या क्या पैक करा लिया, दो यूपीएस, एक मॉनिटर ये रहा, एक सीपीयू, एक सीपीयू, दो कीबोर्ड, ये एओसी का मॉनिटर है और इधर सीपीयू है। सब कुछ बताएंगे इसमें क्या क्या है, लेकिन घर जाकर ये देखो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ रही है दो सिस्टम के लिए। मेरे पास दो कीबोर्ड, तीन कीबोर्ड हैं, एक सीपीयू है, और ये बंदा यूपीएस लेके जा रहा है, और वो जो दुकान वाले भैया हैं उन्होंने भी सीपीयू उठाया हुआ है, और आगे भी देखो और आगे भी देखो। तो अभी ऑटो में जा रहे हैं, एक ऑटो में तो आ जाएगा हमारा सारा सामान। और ये क्या है जिसपे ऊपर रेड रेड लिखा हुआ है मोदी टावर? ये मोदी टावर है, इसके नीचे मोदी टावर।
नहीं, ये पूरा मोदी टावर है, इसके नीचे, मतलब इसको टावर बोलते हैं क्या, बिल्डिंग है। तो ये रही अपनी बसंती, अब चलते हैं घर, लग रहा है भाई जच रहा है। स्टैंड ऊपर का स्टैंड पूरा अब स्टार्ट होगी, आ जा फिर है। बहुत बड़ा हैवी ड्राइवर है भाई तू तो। ये खोल दिया किसी ने, हर रोक लेते हैं यार, 7 सेकंड ये तो है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग है भाई, डर लगता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग को सुनकर। क्या पता था के दिल। तो फाइनली ये रहा पूरा का पूरा सेटअप। आप लोग क्या सोच रहे हो, मैंने खरीद लिया और यहाँ पे लाकर लगा दिया? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैंने टेबल बनाया जिससे कि मैं 2 सिस्टम रख सकूं और एक साइड में लैपटॉप भी। मैंने यहाँ पर 4 से 5 वीडियोस भी बनाए, शायद आपने जुन्नू की टेक पर देखे होंगे। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। बाकी जो डिटेल में वीडियो आएगा वो तो जुन्नू की टेक पर ही आएगा, और ये अराउंड 2 लाख में मेरे को पड़ा। ऐसे सामान फैला हुआ रहता है ना, तो लिटरली मेरे को काम करने में मजा आता है। सबसे पहले मैं आपको कैबिनेट दिखाता हूँ। आप कैबिनेट को ध्यान से देखो भाई, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप इसको पास से देखोगे तो आपको बहुत मस्त दिखेगा ये। यहाँ पे 3 फैन लगे हुए हैं और एक पीछे की साइड। अंदर की साइड क्या माल है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ पे चल रहा है मेरा एडिटिंग, और ये वाली अपनी पुरानी चेयर है जो मेरे घर वाले स्टूडियो में भी थी। कभी कभी मूड बन जाता है तो हम सफाई भी कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अभी मैंने इसको बंद किया हुआ है, लंबी धार मार रहा है। तो ये है AOC का मॉनिटर। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, ये देखो भाई कर्व में है, कर्व कुछ इस तरीके से है, कर्व में। लिटरली मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है एडिटिंग करते हुए, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस पे। ये वाला थोड़ा कम कर्व है और ये वाला ज्यादा कर्व है, मेरे को ये वाला ज्यादा पसंद आया। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे डस्टबिन और यहाँ पे मेरा स्टूडियो। आपको सच बताऊं तो अभी तक ये वाला स्टूडियो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बाय द वे मैं बार बार इसको स्टूडियो बोल रहा हूँ, ये मेरा वर्क प्लेस है। मैं उधर थंबनेल बना लेता हूँ, इधर एडिटिंग कर लेता हूँ। आप लोग ये वाला जो साइड देख रहे हो, यहाँ पर एको बहुत ज्यादा है, तो ये है अपना स्टूडियो, इसको हम बाद में दिखाएंगे। अब मेरे पास इतना कुछ हो चुका है लेकिन मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीजन ये है भाई, मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकला हूँ काम करने के लिए, तो अभी समझना पड़ेगा चीजों को किस तरीके से क्या होता है। अब मेरे को सब कुछ पता चलता जाएगा, उसके बाद कॉन्टेंट भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यही पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच व्लॉग को एंड तक देखने के लिए।